ओ हीरो, थोड़ा संभाल के चलो। तुम बिना सेफ्टी बेल्ट के चल रहे हो। तो ये 1B1 का हॉपर नंबर 1 है, जिसमें से सभी डैमेज मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है गैस कटिंग के थ्रू कट करके। ये हॉपर नंबर 2 का है, जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर आप सामने की तरफ देख सकते हो। इसके आगे की सारी प्लेटें ठीक इसी तरह से नीचे गिरी हुई हैं हॉपर में। गाइस, नीचे की साइड में आप देख सकते हो गैस कटिंग के थ्रू वो बंदा सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को एक एक कर कट कर रहा है। एक बंदा उस साइड में लगा हुआ है। अगर राख टाइम टू टाइम ना निकाली जाए ESP हॉपर के अंदर से, तो कुछ ऐसा ही हाल होगा इंडिया की जितनी भी ESP हैं थर्मल पावर प्लांट की, सबका हाल कुछ ऐसा ही होगा जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ESP डिसमेंटलिंग वर्क की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पावर प्लांट से रिलेटेड आपको आसानी से मिल सके। तो चलो फटाफट आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, इस वक्त जो आप व्यू देख रहे हो, ये ESP इंटरनल एरिया के अंदर का व्यू है, जो ऑलरेडी आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हो। अब मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ESP इंटरनल के अंदर में ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, इसका काम क्या है। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से डिसमेंटलिंग का काम होता है, बंदे किस तरह से काम करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसे किस तरह से रिमूव किया जाता है ESP इंटरनल के अंदर से। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये 1B1 का हॉपर नंबर 1 है, जिसमें से सभी डैमेज मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है गैस कटिंग के थ्रू कट करके। और सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हो, ये हॉपर नंबर 2 का है, जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर आप सामने की तरफ देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हॉपर नंबर 2 का जो भी स्ट्रक्चर है वो सही है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 लाइन सही हैं, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इसके आगे की सारी प्लेटें ठीक इसी तरह से नीचे गिरी हुई हैं हॉपर में। ये हॉपर नंबर 1 है, और आप देख सकते हो, देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी इस फील्ड की सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड बिल्कुल हॉपर में गिरी पड़ी हुई हैं। इसका 70% कट चुका है, और ये 30% है जो नीचे आपको हॉपर में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस एक कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की लेंथ अप्रोक्स 15 मीटर के आसपास होती है, तो उसे 1 पीस में निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कट करके 4 या 5 टुकड़ों में कट किया जाता है, फिर उसे एक एक कर मैन होल के थ्रू निकाला जाता है। अगर मैं आपको ऊपर की साइड दिखाऊँ तो पूरा का पूरा ये हॉपर खाली हो चुका है, टॉप से लेके CRM के एरिया तक। ये CRM कहलाता है, कलेक्टिंग रैपिंग मैकेनिज्म, जहाँ पर काम करता है पूरा का पूरा सिस्टम। उसके बाद ये पूरा का पूरा हॉपर एरिया कहलाता है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये नॉन रैपिंग साइड है, जहाँ पे वॉकवे लगा होता है। इसके नीचे हॉपर का एरिया स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर फील्ड होती है। तो आप देख सकते हो, ये जो प्लेटें हैं एक्चुअल में यहाँ होनी चाहिए थी, इसका बॉटम पोजिशन पर ये आपको अंदर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब फील्ड सही कंडीशन में होती है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ESP इंटरनल के अंदर का। अगर मैं आपको बाजू की फील्ड दिखाऊं, ये फील्ड नंबर 2B1 है, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, ये सही कंडीशन में है, इसलिए इसकी सारी प्लेटें जो है आप स्ट्रेट देख सकते हो। उसके अलावा ये स्प्रिंग, एमिटिंग इलेक्ट्रोड, ये सब कुछ सही कंडीशन में है। और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो आप इधर की स्थिति देख सकते हो, ये पूरी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड नीचे की साइड में हॉपर में गिर चुकी है, और इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये ऊपर होती इस पोजीशन पे, तो इसे सीधा सीधा निकाला जा सकता था। अभी क्या है, इसे 4 की जगह 6 टुकड़ों में 8 टुकड़ों में डिवाइड किया जा रहा है, बिकॉज इस वाले मैन होल से निकालना पॉसिबल नहीं होता। जो प्लेटें बेंड हो जाती हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है बाहर निकालना। ये सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फील्ड की कंडीशन क्या होगी जब पूरा स्ट्रक्चर इसमें लगा होगा। हम लोगों ने किस तरह से इसे रिमूव किया है, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है, हम कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को टॉप से रिमूव करना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, टॉप, फिर मिडिल टॉप, उसके बाद मिडिल, फिर नीचे इस पोजीशन पे आ जाते हैं। अगर प्लेटें यहाँ पर हैं तो हम यहीं से रिमूव कर देते हैं, ये एमिटिंग फ्रेम के ऊपर खड़े होकर। और अगर प्लेटें नीचे गिर जाती हैं तो फिर कुछ इस तरह से हम लोग रिमूव करते हैं। देखो, एक बंदा वहाँ है हॉपर में, उसके अलावा कुछ उधर हैं बंदे गैस कटर, जो गैस कटिंग के थ्रू हॉपर में जाकर प्लेटों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रिमूव कर रहा है। सामने की तरफ देखो, जो भी मटेरियल है, जो सामने नज़र आ रहा है, जो इजीली रिमूव हो सकता है, सबसे पहले उसे ही रिमूव किया जा रहा है, चाहे वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड हो या फिर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में लगे हुए सॉक बार।
ये सामने की तरफ जो आप मटेरियल का टुकड़ा देख रहे हो वो सॉक बार का टुकड़ा है जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉटम पोजीशन में लगा होता है। गाइज, इस तरह के काम में कितना रिस्क होता है वीडियो में देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर बंदा यहाँ से गिरा तो सीधे नीचे हॉपर में जाएगा। अभी तो आपको ये पूरा खाली दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ी देर पहले सभी लाइनों में इस तरह की कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगी हुई थी जो नीचे गिर चुकी थी। अभी सिर्फ इतना ही बचा हुआ है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, जिस वक्त आप देख रहे हो उस साइड से वो जो पूरा खाली एरिया देख रहा है उधर से रिमूव हो चुकी हैं, उस साइड से भी रिमूव हो चुकी हैं और इधर से भी रिमूव हो चुकी हैं। इस तरह से सारी लाइनों में कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगी होती है। कुछ ऐसा ही हाल इधर भी था, टॉप टू बॉटम। ऊपर का हिस्सा कट चुका है, ये सारी इमिटिंग फ्रेम है, ये वर्टिकल पाइप है जो इमिटिंग फ्रेम टू इमिटिंग फ्रेम कनेक्ट होता है वेल्डिंग करके, और ये सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है। इसको निकालने के बाद अगला जो काम होगा हमारा वो होगा फ्रेम रिमूव करने का। हमारा प्रोसेस यही है काम करने का कि सबसे पहले हम कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिमूव करते हैं, उसके बाद उसके सॉक बार को रिमूव करते हैं, देन उसके बाद हम फ्रेम रिमूव करते हैं, चाहे वो कलेक्टिंग फ्रेम हो, इमिटिंग फ्रेम हो, वर्टिकल पाइप हो और सॉक बार गाइड सबसे एंड में जो नीचे की साइड में होता है वो हम रिमूव करते हैं। उसके अलावा लास्ट में ERM सिस्टम और CRM सिस्टम, अगर दोनों सही हैं तो छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ अगर वो ख़राब है तो फिर हम उसे रिमूव कर देते हैं। जैसे ही ये हॉपर खाली हो जाएगा इसमें लगे हुए सारे मटेरियल को रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो भी आप स्ट्रक्चर लगा हुआ देख रहे हो ESP इंटरनल के अंदर का, ये सब कुछ जैसे ही रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम वो सेकेंड वाले हॉपर को खाली करेंगे, उसमें लगे हुए स्ट्रक्चर को रिमूव करेंगे। ये आप सही कंडीशन में देख रहे हो ना, पर फिर भी इसे हम रिमूव करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर फील्ड 80-90% ख़राब है और 10% सही है तो उस 10% को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ ख़राब के चक्कर में अच्छा भी ख़राब हो जाता है, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाता है। अगर फील्ड 90% ख़राब है तो बाकी के जो 10% सही है वो ऑटोमेटिकली रिमूव करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका इरेक्शन फ्रेश इरेक्शन होगा। गाइस, नीचे की साइड में आप देख सकते हो गैस कटिंग के थ्रू वो बंदा सारी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को एक एक कर कट कर रहा है। एक बंदा उस साइड में लगा हुआ है, मतलब कि इस हॉपर के अंदर में दो कटर हैं। और ये जो फील्ड ग्री है ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड नीचे आए हैं। ये क्यों आए हैं इसका रीज़न ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सारी फील्डें क्यों गिरती हैं, इसका रीज़न क्या होता है। मेनली दो ही रीज़न होता है, एक तो वेल्डिंग का कमज़ोर होना। अगर वेल्डिंग कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम के बाद सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो नीचे आ जाएंगे, उनका लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऊपर का जो कलेक्टिंग फ्रेम होता है वो ऑटोमेटिकली छोड़ देता है अपनी जगह, अपनी पोजीशन, उसके बाद उसमें हैंग हो रहे सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड नीचे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली हॉपर के अंदर। उसके अलावा दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया था ऐश एक्यूमुलेशन का, ये हॉपर के अंदर में ऐश जमा हो जाती है, राख भर जाती है, उसके बाद राख धीरे धीरे ऊपर आती है, उसके बाद ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड नीचे से फ्री होते हैं। सिर्फ उसमें सॉक बार कनेक्ट होता है, छः प्लेटें होती हैं एक लाइन में और वो छः की छः प्लेटें सॉक बार से कनेक्ट होती हैं, फिर राख की वजह से वो सारी प्लेटें ऊपर आ जाती हैं। जैसे राख ऊपर आएगी वो साथ साथ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को भी ऊपर लाएगी, और होगा क्या, ऊपर में जो हुक लगे होते हैं ना कलेक्टिंग फ्रेम में जो हुक होते हैं, कलेक्टिंग फ्रेम के हुक में कनेक्ट होती है ये सारी इलेक्ट्रोड, और ये हुक से बाहर आ जाती है। और हुक से बाहर आने के बाद जैसे ही राख कम होती है हॉपर के अंदर की, फिर वो वापस से उस कलेक्टिंग फ्रेम के हुक में नहीं जाके वो सीधे नीचे चले आते हैं हॉपर में। ये रीज़न होता है मेनली फील्ड गिरने का, और 90% इसी रीज़न से फील्ड गिरती है। अगर राख टाइम टू टाइम ना निकाली जाए ESP हॉपर के अंदर से, तो कुछ ऐसा ही हाल होगा इंडिया की जितनी भी ESP हैं थर्मल पावर प्लांट की, सबका हाल कुछ ऐसा ही होगा जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर ESP की फील्ड्स को सही से चलाना है, प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऐश एक्यूमुलेशन कम से कम हो हॉपर के अंदर, उसके लिए ऐश लेवल इंडिकेटर का सही तरीके से काम करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम चेक करना कि हॉपर में ऐश तो जमा नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ESP फील्ड सही तरीके से काम करेगी। अदरवाइज़ कुछ ऐसा ही हाल होगा जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो।